तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा न्यू प्लेट बैंड कैसे काटें, जिसकी नाप है 37 इंच लेंथ है, 28 इंच गेदरी है, 32 कमर है और हिप 36 है, मोरी है 13.5। सबसे पहले दोस्तों ये हम एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर 1 इंच पे ये निशान रखते हैं। यहाँ से 37 इंच लेंथ वो लगा और 3 इंच दबाव रख लेते हैं। अब ये गद्दी है 28 इंच, तो यहाँ से 28 इंच पे हम गेदरी का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से ये 28 इंच है, 28 यानी 14, 14 से 2 इंच ऊपर 12 इंच पे ये निशान है। और 36 हिप है तो 36, 12 नहीं 36 से आधा इंच कम यानी 11.5 इंच पे ये निशान लगा। और क्योंकि साइज बहुत बड़ा नहीं है तो 1.5 इंच पे एक निशान लेना। अब ये दोनों का आधा 11.5 है, तो 11.5 का आधा हुआ 6.5, एक निशान ये लेना। अब ये यहाँ से इसको नाप लेते हैं 6.5 पे ये एक निशान लेना। अब ये निशान को मिला लेते हैं। अब स्क्वायर रखते हैं इसको ये निशान पे और ये निशान रख के इसको सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये निशान पे और इस ये निशान से मिला के इसको ऐसे और ऐसे सीधा। अब यहाँ ये निशान से मिला लेते हैं, ऐसे ही इधर मिला लेते हैं, ये निशान सीधा रहती है, इसको भी ऐसे ही मिला लेते हैं। तो दोस्तों अब मेरी मूवी है 13.5 यानी 7.5, 7.5 का आधा हुआ 3.5 से 1 फुट कम ये निशान, जिसको बीच में रख के ये निशान लगाते हैं और ये 7.5। अब ये निशान को ये दोनों के बीच में ये लगा के ये यहीं पे टोक देते हैं। अब इसको ये निशान से ये मिला रखते हैं। ये मिला दोस्तों। अब ये जो नाप है 4 इंच, ये नाप के उतना ही यहाँ पे 4 इंच पे ये निशान है और इसको ये निशान से मिला देते हैं। दोस्तों यहाँ से 1 इंच कम भी ये निशान है। अब इसको ये कमर है मेरी 32 यानी 8, दोनों तरफ सिलाई छोड़ के 8 इंच पे ये निशान। अब इसको इस निशान से ऐसे इसको ऐसे ये मिला लिया।
यहाँ से हाफ इंच, हाफ इंच पे ये निशान लगाते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। दोस्तों यहाँ से ये है 28 इंच, यहाँ से भी 28 इंच पे निशान लगा। अब इसको ये निशान से जितना दबाव आप रखना चाहें ये कम आदमी देते हैं। दोस्तों ये हो गया मेरे सामने का निशान। दोस्तों मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैं ऐसे ही टुकड़े पे आपको पैंट का निशान लगा के दिखा रहा हूँ। अब इसको काट लेते हैं। जहाँ पर आपको थोड़ा गहरा मेरा लगे तो आप कैंची से मिला लीजिए। से हल्का सा क्रॉस। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बता रहा हूँ पैंट काटने का, ना ही बहुत मारिक मैं लगाया हूँ। आप और भी वीडियो देखे होंगे तो उसमें कितनी मारिक लगी रहती है, लेकिन मैं ज़्यादा मारिक नहीं लगाऊंगा। और ये ऐसे मैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये हो गया मेरे सामने का निशान। अब मैं इस बैक का निशान लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमने एक टुकड़ा ले लिया 30, इसको मैंने ये ऐसे रख। सबसे पहले मैं ये निशान लगाता हूँ और यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगा देता हूँ। ये अब ये निशान लगा लेता हूँ, एक निशान ये लगा लेता हूँ, एक निशान ये, एक ये, ये, और इसे 2 सूत नीचे एक निशान लगाता हूँ। 2 सूत, 3 सूत जैसा साइज हो। अब यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाता हूँ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा नहीं है तो 1.25 इंच पे ये निशान मैं लगाता हूँ। अब इसको ऐसे मिला लेता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे एक निशान लगाया, यहाँ से 1.25 इंच पे लगाया दोनों को मिला लिया। दोस्तों यहाँ मैं अभी ये दाग पे ऐसे ही निशान अभी लगा लेता हूँ, बाकी ये बाद में कारीगर अपना नाप के कितने इंच पे पॉकेट लगना है वो पक्का निशान लगा लेंगे। मैंने कमर मिलाने के लिए सिर्फ ये दोनों निशान लगा लिया। अब मैं ये निशान पे स्केल रख के इसको ऐसे मिला लेता हूँ। ये इसको इसमें मिला लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं हिप 36 है तो 10.25 इंच पे मैं एक निशान लगा, कमर है कमर देख लेता हूँ कितनी आ रही है। ये 8 इंच ये आया तो 8 इंच सिलाई छोड़ के मैं 8 इंच यहाँ पे रखता हूँ और ये 1.5 इंच की मेरी डाट हो जाएगी, तो 10.25 ये 10.25 मैं यहाँ पे रखता हूँ।
अब कमर है मेरी 32, तो ये 16 पे मैं निशान लगा लेता हूँ। अब इस निशान को इस निशान से मैंने मिला लेता हूँ। अब ये निशान, ये सिलाई, ये निशान से 2 सूत नीचे, इसको 2 सूत 3 सूत नीचे निशान ले जाता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेता हूँ, छोटा साइज है तो 3.5 इंच पर इसको ये दोस्तों ये निशान मैं नाप के नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही कमर नापने के लिए हमने ये निशान लगा लिया है। बाकी जब स्टिचिंग होगी तो ये नाप के कहाँ पे आएगा निशान यहाँ से, वो आपको कारीगर लगा देगा। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लेता हूँ, इसकी मतलब सॉरी इसको काट लेता हूँ। यहाँ से क्योंकि कमर कम दबाव, कमर का दबाव होता है दोस्तों, तो कभी हमारी कमर बढ़े तो थोड़ा दबाव रख देता हूँ, जिससे कि कमर कभी बढ़े घटे तो आराम से लूज हो सके। ये मिला के मैंने ऐसे काटे, दबाव जितना आपको ठीक लगे, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं रखना चाहिए, यहाँ से कम होता हुआ। दोस्तों बहुत से लोग पास में दबाव रखते हैं, बहुत से लोग दबाव नहीं रखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बिना, मैं भी दबाव नहीं रखता हूँ दोस्तों, मैं भी इसी मारी पे काट लेता हूँ। दबाव रखना हो तो आप दबाव रख सकते हैं, इसी निशान पे दोस्तों ये हो गई मेरी पैंट की कटिंग पूरी हो गई, तैयार हो गई। दोस्तों मैं आपको ऐसे ही कटिंग पैंट की, कोट की, जो आप चाहें आप हमें कमेंट करके बताएं, जिस चीज़ की आपको कटिंग चाहिए मैं उस चीज़ की कटिंग करके आपको बताऊंगा। और बिल्कुल सही तरीका ये है कटिंग का, कटिंग ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।